21वीं शताब्दी विज्ञान का दौर है, लेकिन कुछ शातिर बदमाश इस दौर को औरों को चूना लगाने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। कोई एटीएम का क्लोन बनाकर दूसरे के खाते को साफ करने में लगा है, तो कोई ई ट्रेडिंग के जरिए। लेकिन दोस्तों, एटीएम जाने से पहले हो जाइए सावधान, क्योंकि एटीएम से पैसे निकालने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि चंद मिनटों में ही आपका बैंक अकाउंट हो सकता है खाली। आपके पीठ पीछे कोई भी आपके खून पसीने की कमाई को गायब कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी। और आज आपको हमारी इस वीडियो में कुछ ऐसे वीडियो फुटेज देखने को मिलेंगे जिनमें आप लोगों को फ्रॉड करते हुए देख सकते हैं, जिससे आपका बचना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर 6, मशीन खोलकर सीधे डाका। दोस्तों, इस तरह की चोरी में शातिर चोर एटीएम मशीन की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं और अपने पास ऐसे हथियार रखते हैं जिससे एक सेकंड में मशीन खुल जाती है और वो मशीन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में हेरफेर करके पैसे लेकर चले जाते हैं। नंबर 5, स्किमर डिवाइस हाथ में रखना। दोस्तों, इस तरीके में भी चोर आपकी मदद की पेशकश करके आपका एटीएम लेकर स्वाइप करता है, लेकिन इस बार आपको कोई डुप्लीकेट एटीएम न थमाकर वो आपका कार्ड आपको वापस दे देता है। बस वो इतना करते हैं कि अपने दूसरे हाथ में एक स्किमर डिवाइस इस तरह से छुपा के रखते हैं और मशीन में स्वाइप करने के बाद चुपके से अपने हाथ में मौजूद स्किमर डिवाइस में आपका कार्ड स्वाइप कर लेते हैं और इससे आपके कार्ड की जानकारी उस डिवाइस में स्टोर हो जाती है और बाकी वो पिन तो फिर आपका देख ही लेते हैं, जिसके चलते वो बाद में डुप्लीकेट कार्ड बनाकर आपके पैसे निकाल लेते हैं। नंबर 4, दोस्तों, आपने अपने एटीएम कार्ड में पीछे की तरफ काले रंग की पट्टी देखी होगी, इसे मैग्नेटिक स्ट्रिप कहा जाता है। इसी के अंदर मौजूद होती है आपके खाते की सारी जानकारी। इस जानकारी को चोरी करने के लिए चोर स्कैमर डिवाइस का इस्तेमाल करता है और इस डिवाइस को बैंक के द्वारा एटीएम मशीन में लगाया जाता है, जिसमें हम एटीएम कार्ड स्वाइप करते हैं या फिर अंदर डालते हैं। लेकिन चोर इसी ओरिजिनल स्कैमर डिवाइस के ऊपर अलग से हूबहू देखने वाला अपना एक चोर स्कैमर डिवाइस लगा देते हैं, जो एटीएम में कार्ड स्वाइप करते ही हमारे कार्ड की जानकारी चुरा लेता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता। इस डिवाइस में मेमोरी कार्ड और चिप लगे होते हैं, यानी एक चोर के पास आपका एटीएम कार्ड फिजिकली न होते हुए भी मौजूद है। लेकिन सिर्फ कार्ड की जानकारी होने से पैसा तो चुराया जा नहीं सकता, पिन भी होना चाहिए। चोर इतने शातिर होते हैं कि पिन की जानकारी के लिए छोटा सा कैमरा वो ठीक पिन के डालने की जगह के ऊपर लगा देते हैं, जो आपका पिन देख लेता है और वीडियो बना देता है, और ये वीडियो इस चिप में लगी मेमोरी कार्ड में सेव हो जाता है। और ज्यादातर बैकअप के लिए इसमें इतनी बड़ी बैटरी लगी होती है ताकि ये डिवाइस घंटों तक लगातार वीडियो सेव कर सके। और हो सकता है कि ये डिवाइस इतनी सफाई से लगाई गई हो कि आपको इसकी भनक तक न पड़े। अब चोर के पास आपके कार्ड की डिटेल है, जिसके जरिए क्लोन कार्ड बन जाएगा और अब कार्ड और पिन दोनों मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो आसानी से आपका अकाउंट खाली कर देगा। और अब इस धोखाधड़ी से बचने का यही तरीका है कि आप जब भी एटीएम में जाएं तो उपयोग करने से पहले इसकी जांच कर लें। मशीन पर कार्ड रीडर वाला सेक्शन सामान्य से ज्यादा उभरा हुआ हो या फिर ढीला लग सकता है, ऐसा उसके साथ छेड़छाड़ के कारण होता है। उसे हल्के हाथों से हिलाकर या खींचकर देख लें, ताकि नकली हुआ अगर वो तो बाहर आ जाएगा। और पिन डालने वाली जगह के ऊपर ध्यान से देखें कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। अगर कैमरा होगा तो वहाँ पर एक छोटा सा छेद जरूर दिख जाएगा। और एहतियात के तौर पर पिन डालते हुए कीपैड को हाथों से कवर कर दें, ताकि कोई आपका एटीएम पिन नंबर ना जान पाए। कई बार चोर कैमरा न लगाकर नकली कीपैड लगा देते हैं ताकि पिन की जानकारी ले सकें, और उस स्थिति में कैमरा चेक करने के साथ साथ कीपैड चेक करना भी जरूरी होता है। अगर कीपैड बेढंगे तरीके से निकला हुआ प्रतीत हो तो इसकी जांच कर लें, क्योंकि ये नकली हो सकता है। अगर बटन दबाते ही कीपैड फेल हो जाए तो कीपैड नकली हो सकता है। अगर आप अपने एटीएम पिन को सेव रखते हैं तो स्कैमिंग होने के बावजूद जालसाज आपके कार्ड को क्लोन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास आपका पिन नहीं होगा। अगर आपको कभी भी एटीएम इंसर्ट करने वाली स्लॉट या कीपैड के आसपास जरा सा भी शक हो तो एटीएम में मौजूद गार्ड या पुलिस या पास के बैंक को तुरंत इन्फॉर्म कर दें। नंबर 3, दोस्तों, इस चोरी को अंजाम देने में हम खुद चोरों की मदद करते हैं। एटीएम में आपकी कई कोशिशों के बाद जब पैसे नहीं निकलते तो आप अपनी किस्मत और बैंक वालों को कोस ही रहे होते हैं कि तभी पीछे बाहर का खड़ा आदमी आपकी मदद के लिए अंदर आ जाता है और बड़ी इज्जत से आपको आदर सत्कार देते हुए बोलता है, भाई साहब लाइए, मैं कर देता हूँ। और आप मन ही मन उतनी देर में उस मददगार अजनबी को लाखों दुआएं दे चुके होते हैं। या तो वो कैश निकालने में आपकी मदद कर देता है या फिर वो ये कह देता है कि शायद एटीएम में कैश है ही नहीं, और आप फिर उदास होकर वापस चले जाते हैं। लेकिन जब तक आप घर पहुंचते हैं तब तक आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो आइए बताते हैं कि आखिर ये चोरी कैसे होती है।
जब आप एटीएम में गए तो उससे पहले चोर एटीएम को हैक कर देते हैं, और जब आप पैसे निकालने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं तो ठीक उसी समय चोर मददगार बनके पीछे से आता है और सबसे पहले ये देखता है कि आपके पास एटीएम कार्ड कौन सा है, और अपने पास पहले से मौजूद तमाम एटीएम कार्ड्स में से आपके जैसे वाला एटीएम कार्ड अपने हाथ में रख लेता है और आपका असली एटीएम लेकर स्वाइप करता हुआ उसका हाथ पीछे जाता है और अपने पास मौजूद हूबहू एटीएम कार्ड से बदल लेता है। कार्ड वो आपको वापस देता है। उस वक्त आप बटन दबाने में बिजी होते हैं और बिना ध्यान दिए या बिना एटीएम पर नाम देखे अपना एटीएम कार्ड रख लेते हैं, लेकिन वहीं पर खड़ा ये चोर आपके द्वारा डाले गए पिन पर नजरें गड़ाए रखता है और आपका पिन याद कर लेता है, और अब उस चोर के पास आपका एटीएम और पिन कार्ड दोनों मौजूद होते हैं, जिससे वो आपके खाते का इस्तेमाल करके आपके पैसे रफू चक्कर कर देगा। और इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि कैसे चोर ने हाथों हाथ लाखों रुपए उड़ा दिए। इस आदमी ने मदद के बाद एटीएम लेकर बगल में मौजूद साथी को चुपके से एटीएम कार्ड पीछे थमाया और दूसरे साथी ने उसी वक्त एटीएम में कार्ड स्वाइप कर दिया, और बाकी पिन तो उसे देखकर पता चल ही चुका था, और उसके बाद उन्होंने वो एटीएम कार्ड स्वाइप करके उस आदमी को वापस दे दिया और देखिए कैसे उसके खाते से पैसे निकल गए। नंबर 2, दोस्तों फेविक्विक की मदद से पैसे चुराना। जी हाँ, आपने सही सुना, वही 5 रुपए में मिलने वाला फेविक्विक या ग्लू जो छोटी मोटी चीजों को जोड़ने या चिपकाने के काम आ सकता है। कभी आपने सोचा है कि 5 रुपए में मिलने वाला फेविक्विक या ग्लू आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है? असल में एटीएम मशीन में जहाँ पर एंटर एग्जिट का बटन होता है वहीं पर बटन के नीचे फेविक्विक या ग्लू डाल दिया जाता है, और जब आप एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हो तो ये बटन आपको जाम मिलता है और आप वहाँ से ये सोचकर चले जाते हो कि शायद मशीन के कीज काम नहीं कर रही, लेकिन आपके जाते ही प्रोसेसिंग टाइम खत्म होने से पहले ही आपके पीछे खड़ा अपराधी आपके ही द्वारा डाली गई इन्फॉर्मेशन की मदद से जो अमाउंट आपने डाली थी उसको लेकर रफू चक्कर हो जाता है। और ठीक इसी तरह से अपराधी स्टेपल पिन या सेफ्टी पिन को कैंसिल बटन के नीचे डाल देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके द्वारा डाली गई इन्फॉर्मेशन के बाद भी कैश विड्रॉल प्रोसेसिंग पेंडिंग हो जाता है और आप कैंसिल बटन से कैंसिल करते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि आपने कैश विड्रॉल कैंसिल कर दिया है और वहां से चले जाते हैं, लेकिन बटन के नीचे सेफ्टी पिन होने की वजह से वो कैंसिल ही नहीं होता और एटीएम फ्रॉड करने वाले अमाउंट विड्रॉल करके ले जाते हैं। इसलिए कभी भी कैंसिल करते समय ये जरूर चेक कर लीजिए कि जो ट्रांजैक्शन किया गया है वो सही मायने में कैंसिल हो गया है या नहीं। नंबर 1, आपने ध्यान दिया होगा कि एटीएम मशीन में स्क्रीन की लेफ्ट राइट में 4-4 बटन होते हैं। जब हम एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें केवल राइट साइड वाली चीज की जरूरत पड़ती है, पर कभी कभी आपने देखा होगा कि ठीक बस ट्रेन की तरह एटीएम के अंदर भी जरूरत से ज्यादा भीड़ होती है और जल्दबाजी में जाने के लिए सभी एक साथ एटीएम के अंदर चले जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि एटीएम फ्रॉड करने वाले लोगों के ग्रुप ने भी जानबूझकर भीड़ लगा रखी हो। कहने का मतलब है कि जैसे जेब कतरे ठीक बस ट्रेन में भीड़ का हुजूम बनाकर अपने शिकार को धर दबोचते हैं, वैसे ही जानकारी के अभाव में जब बुजुर्ग या कोई महिला जिसे एटीएम का ज्ञान न हो जैसे ही एटीएम का यूज कर रहे होते हैं तो अपराधियों के गिरोह में से कोई एक अपराधी चालाकी से लेफ्ट साइड वाली कीज 2-3 बार दबा देता है। ऐसे में एटीएम मशीन हैंग हो जाते हैं और आगे सोने पे सुहागा तब होता है जब पैसा न निकलता देख और आपको परेशान होता देख बड़े अदब से और इज्जत सत्कार देते हुए वो बोलता है, भाई साहब अगर आपके पैसे नहीं निकल रहे तो मैं कोशिश करके देखूं। फिर अपराधी अपना एटीएम कार्ड आधा मशीन के अंदर डालकर जल्दी से पैसे खींच लेता है और आपके द्वारा डाली गई वो रकम या आपके द्वारा डाले गए पैसे वो निकाल लेता है, क्योंकि एटीएम हैंग होने के थोड़ी देर बाद नॉर्मल होने लगती है और धीरे धीरे पुराने कमांड और इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने लगती है। तो दोस्तों आगे से आप ध्यान रखना, जब कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो थोड़ी देर के लिए एटीएम के नॉर्मल होने का इंतजार जरूर करें, या फिर जब आप एटीएम के अंदर हो तो किसी और को या एक साथ भीड़ को अंदर न घुसने दें। और अगर आप इस तरह की ठगी का शिकार होने से बचना चाहते हैं तो इन जरूरी बातों का ख्याल जरूर रखें। एटीएम से रकम निकालने से पहले जांच लें कि कोई स्कैमर डिवाइस तो नहीं है। स्वाइपिंग बोर्ड के अगल बगल हाथ लगाकर देख लें, कोई वस्तु नजर आए तो सावधान हो जाएं। स्कैमर का डिवाइस ऐसा होता है कि मशीन का पार्ट लगता है और इसके साथ ही हो सके तो कीपैड का एक कोना दबाएं, और अगर कीपैड स्कैमर होगा तो वो एक साथ उठ जाएगा। मौजूदा समय में जरूरी है कि डेबिट कार्ड का पिन बदल लें और इससे एटीएम फ्रॉड करने वाले गिरोह के जाल में फंसने से बच जाएं। आप अपने बैंक में ईमेल आईडी और नंबर जरूर रजिस्टर कराएं और अपडेटेड रखें, जिससे किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन की आपको अपडेट आती रहे। और किसी भी सूरत में आपके अकाउंट में अगर कोई ट्रांजैक्शन दिखता है जो आपने नहीं किया है तो उस बारे में तुरंत बैंक या पुलिस से संपर्क करें। तो दोस्तों अगर एटीएम कार्ड से जुड़ी और भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।
और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।